तो हेलो दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में किन किन रूलों का जरूरत होता है। रूल माने आप इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कैसे करें, कौन कौन सा लिमिटेशन रहता है, हाँ उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आप जब भी रेसिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन करते हो तो आप रूल को ध्यान में रखते हुए आप उनका इंस्टॉलेशन आप करें। तो मैं पहला ये बता दूं कि रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन कैसा होता है। तो रेसिडेंशियल माने उसमें लाइट लोड और पावर लोड दोनों आते हैं। लाइट लोड माने आपका फैन और आपका ट्यूब और आपका ये हो, आपका क्या बोलते हैं उसको, बेल हो। हाँ और नहीं तो आपका छोटे छोटे सामान हो, मतलब जो लाइटिंग लोड वगैरह की जो आप घर में यूज करते हो, ये हो गया आपका लाइटिंग लोड। और उसमें पावर लोड आपका रेफ्रिजरेटर होगा, मोटर होगा और वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब पावर लोड हो गए। आप जब भी रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन करेंगे तो भी आप इन दोनों लोड का आप ध्यान में रखना होगा कि रेसिडेंशियल में कौन कौन से लोड ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादा करके घर के अंदर, या रेसिडेंशियल माने घर, हमारा घर, हाँ या रूम, हाँ उसके अंदर हमारा ये इंस्टॉलेशन होता है। तो लाइटिंग लोड, तो ये मैं आपको ये बता दूं कि आप घर में हमेशा देखते हो लाइटिंग लोड कम वैटेज में रहता है, मतलब आपका ट्यूब हो गया 60 वैट का, फैन हो गया आपका 80 वैट का, बेस पुल 30-40 वैट का, और आपका एलईडी लैम्प वो 40 वैट का, ऐसा कम वैट के रहते हैं। पर आपका पावर लोड आपका इतना कम रेटिंग में नहीं होता। आपका पावर लोड कितने में होगा, 1000 वैट, 2000 वैट, 800 वैट। हाँ आप घर में जो हीटर रहते, पानी गर्म करने वाले हीटर, वो 1000 वैट, 1500 वैट का रहते हैं। तो आप लाइटिंग लोड करना चाहते हो तो लाइटिंग लोड के लिए एक रूल है, देखिए ये आपका घर में सप्लाई आता है, ये फेज और ये न्यूट्रल, ये आपको एनर्जी मीटर आता है। एनर्जी मीटर मालूम ना आपको, हाँ। और एनर्जी मीटर से आपके दो वायर बाहर निकलते हैं। तो उसके बाद मेन स्विच रहता है, मेन स्विच के बाद डिस्ट्रीब्यूशन पोल रहता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं, उसके बाद आपका सब सर्किट रहते हैं, या फैन हो या वगैरह। हाँ यहाँ का फैन का वो आपका बोर्ड नहीं रहता, जैसे सॉकेट हो, यहाँ पर सॉकेट रहेंगे और यहाँ का फैन का स्विच रहेगा। तो ये फैन का फेज और न्यूट्रल स्विच आपको फैन को जाएगा ऐसा। तो जब आप लाइटिंग लोड इंस्टॉल करते हो तो आपको उसमें एक रूल है कि आपका पावर फैक्टर 800 वैट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। हाँ ये आपका लाइटिंग लोड के लिए पहला रूल हो गया। और एक रूल है लाइटिंग लोड के लिए कि आप समझो, देख यहाँ पर फैन है, ट्यूब है, पुश बुल है, सर पुश बेल है, तो ये तीन आपका पॉइंट हो गए, 1 2 3। समझो आपने 6 ये लगाया और 3 ये लगाया फैन और ये दो एक लगाया, तो आपके टोटल लोड कितने होते हैं, टोटल पॉइंट कितने होते हैं, 6 7 8 9 और 10। रूल क्या कहता है कि आपका पॉइंट 10 10 के आगे नहीं जाना चाहिए। ये आपका पॉइंट, पॉइंट माने आपका लाइटिंग लोड, मतलब फैन या ट्यूब या हाँ आपका बेल
आपका और अलग अलग टाइप के सॉकेट। हाँ, ये आपका लाइटिंग लोड हो गया। तो लाइटिंग लोड में दो रूल होते हैं, एक तो 800 वैट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और दूसरा 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो अभी हम पावर लोड, ये लाइटिंग लोड के लिए हो गया, यहाँ पर लिख देता हूँ लाइटिंग लोड और पावर लोड के लिए। पावर लोड में आपका मोटर होगा, हाँ मोटर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये आपका पावर लोड हो गया। तो पावर लोड के लिए क्या रूल है कि पावर लोड आप जब भी कनेक्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट रूल है 3000 वैट से आगे आपका नहीं जाना चाहिए, ये आपका पावर लोड के लिए एक रूल हो गया। और दूसरा रूल है, यहाँ पर 10 पॉइंट है तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही पॉइंट आप लगा सकते हैं पावर लोड में। तो ये पावर लोड के लिए और लाइटिंग लोड के लिए, ये दो, मतलब इसके दो और इसके दो रूल है। तो इस प्रकार से आप रेसिडेंशियल इंस्टॉल कर सकते हैं इन रूल का ध्यान रखते हुए। हाँ, और आप कमर्शियल में भी आपका लाइटिंग लोड रहता है पर ज़्यादा अमाउंट में रहता है कमर्शियल में, और इंडस्ट्रियल में ज़्यादा तरह से पावर लोड रहता है, लाइटिंग लोड तक कम रहता है। तो उधर भी सेम यही रूल अप्लाई होता है, तो आप ये रूल को फॉलो कीजिए, आपका इंस्टॉलेशन इजी जाएगा। अगर आपने इस रूल को फॉलो नहीं किया तो आपका, समझो एक आपका एक पॉइंट है, फैन है, सॉरी यहाँ पर ट्यूब है, यहाँ पर पैन है, ऐसा यहाँ पर 10 हो गए। अगर आप एक्स्ट्रा और दो लगाया, समझो एक दो ट्यूबलाइट लगाया 10 को छोड़ के, मतलब और 11 और 12, तो उससे क्या होगा, आपका इसमें फर्क आएगा कि आपका करंट में फर्क आएगा। यहाँ पर टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपका करंट, पर यहाँ पर करंट कम ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पर आपका ट्यूब अच्छे से ग्लो नहीं होगा, ये दोनों, ये भी ग्लो नहीं होगा, कभी कभी ये नहीं ग्लो होता, मतलब अलग अलग करंट रेटिंग, मतलब नहीं तो वोल्टेज कम ज़्यादा होते रहते हैं। इसके वजह से ये रूल फॉलो किया ना, फिर अच्छे से आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं बिना कोई झंझट से। तो रूल में इतना ही था, और मैं आपको और ऐसी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में वीडियो चाहिए तो आप मेरे इसके अंदर जा सकते हो, और आपको हमेशा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में वीडियो चाहिए तो इलेक्ट्रिकल के बारे में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि आपको मेरा हर एक वीडियो आपको मिलते जाएगा। धन्यवाद।